इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी बात कह दी। अब से थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे, अब से करीब आधे घंटे के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आज शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर बोलने वाले हैं। ये बड़ी खबरें हैं। तब महामारी कोरोना से जूझती दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में नई मुश्किल में फंस गई है। पुतिन मानने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर पहले कहा पुतिन ने कि रूस के पास सिवाय यूक्रेन पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। व्लादिमीर पुतिन ये बात दुनिया के सामने तब रख रहे हैं जब प्रतिबंधों का घेरा लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तब व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को डावाडोल करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के लोग दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, उम्मीद दिख रही है, और यूक्रेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कीजिए, आप उन्हें समझा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में ये बातचीत होगी।